दोस्तों नमस्कार, मैं विवेका, आप देख रहे खबर बिहार 24। नीतीश की जदयू में कलह शुरू हो गई है। मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने के बाद जब आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया, वहीं से कलह जदयू में शुरू हो गई। आज की बड़ी खबर यह निकल कर आई कि ललन सिंह के साथ खासम खास रहे मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को जदयू से बाहर मुख्य प्रवक्ता पद से कर दिया गया और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा को बना दिया गया है, जो भूमिहार जाति से हैं। ललन सिंह चूंकि खासे नाराज हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनके काट में नीरज कुमार शर्मा जो भूमिहार जाति के हैं उन्हें मुख्य प्रवक्ता बना दी गई है। कहा जाता है कि पशुपति पारस सहित अन्य सांसदों को अलग करने में ललन सिंह के साथ संजय सिंह की भी भूमिका रही थी। संजय सिंह मुख्य प्रवक्ता जदयू के थे, जिन्हें अचानक आज पद से हटा दिया गया और नीरज कुमार शर्मा को मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया है। ललन सिंह भूमिहार जाति से, भूमिहार में खासे नाराजगी है और ललन सिंह आज उपेंद्र कुशवाहा से घंटों बंद कमरे में जाकर वार्तालाप किया। यह कयास लगाई जा रही है कि अब भूमिहार के कांटे में भूमिहार को नीतीश कुमार खड़ा करके अपने को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, लेकिन जहां एक और आरसीपी सिंह के मंत्री बन जाने के बाद ललन सिंह को मौका नहीं दिया जाना बहुत बड़ी जदयू में खटास का मामला सामने निकल कर आया है। जदयू में कलह शुरू हो चुकी है, तोड़ा तोड़ी भागम भागी वाली बात सामने आ रही है। तेजस्वी यादव ने जो कहा था, ऐसा मानो लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, वह बात सत्य होती दिख रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। ललन सिंह और जो प्रवक्ता हैं संजय सिंह क्या गुल खिलाते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।